हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उसके प्राकृतिक प्रभाग और उसके प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, PSC, पटवारी, NM, ANM, जिसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए उसकी परिभाषा दी गई है? ऋग्वेद में, रामायण में, मनुस्मृति में या विष्णु पुराण में? तो इसका करेक्ट आंसर है मनुस्मृति। और मनुस्मृति किसकी रचना है या किसकी कृति है? तो आचार्य मनु की कृति है। ओके, जिसमें सारी चीज़ों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की सारी परिभाषाएँ दी गई, मध्य प्रदेश कैसा है, क्या है, तो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ऑप्शन, ऋग्वेद, रामायण और विष्णु पुराण। तो ऋग्वेद की बात करें तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 ऋग्वेद, दूसरा कौन सा हो गया आपका? यजुर्वेद। ओके, तीसरा हो गया आपका सामवेद, और आपका चौथा वेद है अर्थवेद। ओके, अर्थवेद, ये 4 वेद हो गए। अब इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होता है? जो ऋचाएँ हैं, यानी कि ऋचाओं और ऋचा क्या होती हैं, जो श्लोक वगैरह आते हैं, ऋचाओं या श्लोकों के क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, हम ऋग्वेद बोलते हैं। याद रखना, इसको ऋग्वेद का जो वर्णन किया था वो किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो गायत्री मंत्र होता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि कौन से वेद से लिया गया है या कौन से वेद का है, तो वो ऋग्वेद का है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो भगवान का जो बामन अवतार। ओके, बामन अवतार का जो 3 पंख जमीन ली थी राजा बलि से, तो उसका वर्णन किस में मिलता है? उसका भी ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में ऋषियों को होत्र बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रामायण की बात की जाए तो रामायण, वाल्मीकि जी ने रामायण का वर्णन किया है। विष्णु पुराण वेद व्यास ने किया है विष्णु पुराण का। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो श्याम वेद से पूछे गए हैं। वैसे तो सभी वेदों से पूछे जाते हैं, पर श्याम वेद से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो श्याम वेद में क्या पूछा गया था, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो संगीत का, भारतीय संगीत का जो जनक कौन, किस वेद को कहा जाता है? संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? वो श्याम वेद को कहा जाता है। श्याम वेद में गद्य और पद पूछा जाता है, ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य एंड पद दोनों के बारे में बताया गया? तो गद्य और पद उसके बारे में श्याम वेद में बताया गया है। यहाँ से बात कर लें अगर, जैसे कि आपने देखा होगा जादू टोना के बारे में बताया गया है, तो वो किस में बताया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस रूप में मिलता है? स्थल बल्द राज्य में, हृदय प्रदेश के, या दक्षिणा तथा रेवात्तर या उपरोक्त? यानी कि मध्य प्रदेश का उल्लेख किस और किन रूपों में मिलता है? तो स्थलबद्ध राज्य, हृदय प्रदेश और दक्षिणा रेवोत्तर, तो इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं स्थलबद्ध राज्य के बारे में बता देती हूँ, जिसको क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड बोलते हैं। ओके, लैंड लॉक्ड क्या होता है, यानी कि वो जमीन या वो राज्य या कुछ भी क्षेत्र हो, लैंड लॉक का मतलब होता है जहाँ पर चारों तरफ कोई भी समुद्री सीमा ना हो, यानी कि समुद्र ना हो उसके चारों तरफ, उसको लैंड लॉक या एक स्थलबद्ध राज्य बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश के वहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी समुद्री सीमा नहीं अड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको स्थलबद्ध राज्य बोला जाता है। दक्षिण, उसके साहित्य के हिसाब से देखा जाए तो उसको दक्षिणावर्त रेवोत्तर बोला जाता है। तो इसका कई नामों से इसको जाना जाता है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, स्वा प्रदेश, टाइगर स्टेट, तो ये इसके नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का नामांकन किसने किया? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बाकी के बारे में देख लेते हैं, पट्टाभि सीतारमण कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ओके, राज्यपाल थे। इसके बाद बात करें रविशंकर शुक्ल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले CM, यानी कि पहले मुख्यमंत्री। और कुंजीलाल दुबे कौन थे? जो प्रथम, यानी कि मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष, तो ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इनका सबका प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जिले में सतपुड़ा श्रृंखला नहीं है? खंडवा में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में या बिलासपुर में? तो खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, इस सभी में
तो आपने देखा होगा खंडवाड़ा, बैतूल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद, इन सब में सतपुड़ा श्रृंखला आती है, लेकिन बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ से है उसमें नहीं आती है, छत्तीसगढ़ में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिगार की चोटी और जनापावा की चोटी, धनंजरी की चोटी किस पहाड़ पर स्थित है? तो ये तीन चोटी हैं, शिगार की चोटी, जनापा की चोटी और धनंजरी की चोटी। तो पहले तो हम इसकी देख लेते हैं कितनी, ये शिगार की चोटी है वो है 881 मीटर की, ओके। जनापा की चोटी की बात करें तो ये कितनी की है, 854, और धनंजरी की चोटी की बात करें तो ये कितनी है, 810 मीटर की, ओके। तो ये इनकी चोटी हैं, तो ये किस में आती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, इनमें से एक भी में नहीं आती हैं, रीवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, क्योंकि ये आती है मालवा के पठार में, ओके। मालवा के पठार क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है, पठार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आप देख सकते हो इन चोटियों के बारे में, तो ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना गया है? तो ग्वालियर, गांधी, ये गांधी नहीं है, सीधी है, सीधी, ओके। मंदसौर, खंडवा, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर में ज़्यादा पाषाण युग से कोई ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदसौर, खंडवा, वो खंडवा एंड सीधी, इनमें आपको पाषाण युग से कई सारे साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पर्वत पर, राजपीपला पर या मेकाल पर्वत पर? तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा मेकल, ओके, सतपुड़ा मेकल के अंतर्गत तीन श्रेणियां आती हैं। एक तो ये है राजपीपला श्रेणी, ओके, राजपीपला श्रेणी, दूसरी है मेकल पर्वत श्रेणी, और तीसरी आती है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी राज सतपुड़ा मेकल के अंतर्गत, ठीक है, तीन श्रेणी आती हैं, और सतपुड़ा श्रेणी में ही कौन आता है, महादेव पर्वत आता है, ये पर्वत है, ओके, महादेव पर्वत आता है। और महादेव पर्वत पर ही कौन सी चोटी है, धूपगढ़ की चोटी है, जो मध्य प्रदेश की कैसी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी, सबसे ऊंची, ओके। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे ऊंची मध्य प्रदेश की चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की है। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है कि धूपगढ़ की चोटी की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर भी आना चाहिए, इसके इसका करेक्ट आंसर है 1350 मीटर, ओके, 1350 मीटर की है ये। तो इससे इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार या बुंदेलखंड का पठार? तो इसका करेक्ट आंसर है मालवा के पठार में ये फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी मतलब यही क्वेश्चन इस तरीके पूछ लिया जाता है, ये कौन से क्षेत्र में आता है, उत्तर पश्चिमी, ओके, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये फैली हुई है। इसके बाद बात करें कि जो अरावली पर्वत है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये कैसी पर्वत श्रेणी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये अरावली पर्वत, और इसकी सबसे, अरावली पर्वत की सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूरा पूछा जाता है, गुरु शिखर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गोंडवाना शैल समूह के क्षेत्र में, ओके। जो गोंडवाना शैल समूह हैं वो कैसे हैं, जलज होती हैं, जलज से इसकी उत्पत्ति है, यानी कि जल में से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जो शैल है यानी कि समूह, जो चट्टानें पाई गई हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जल से मानी जाती है। गोंडवाना क्या है, गोंडवाना का बहुत बड़ा इतिहास है वैसे अपने आप में, तो यहाँ के जो राजा थे, जो गौड जाति से उनका संबंध था, गौड जाति से जो दो राजा थे, तो वहाँ से जो गोंडवाल था नाम, बाद में इसका गोंडवाना हो गया। ऐसा माना जाता है जो पहले रामायण के लव और कुश थे, तो उनका भी ये क्षेत्र माना जाता था रामायण युग के समय पर, ठीक है। लेकिन बाद में ये जब बात करें तो ये अकबर के समय पे गोंडवाना जो राजा थे उनके नाम पर इसको गोंडवाना क्षेत्र बोल दिया गया। और जहाँ पर मध्य प्रदेश में जितनी भी जगह आती हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे कोई भी तटीय क्षेत्र हो, कुछ भी हो, तो वो गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो ये इसका ऐसे इतिहास है जो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, तो इसका आंसर ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मालवा क्षेत्र में मिलती हैं। गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में, तो
पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सतपुड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र एंड बुंदेलखंड। तो इसके दो हैं, जैसे कि गोंडवाना युग, गोंडवाना जो क्षेत्र आता है वो कौन सा, बघेलखंड में, बघेलखंड में ओके, बघेलखंड में आता है। और दूसरा कौन सा आता है आपका, सतपुड़ा क्षेत्र ओके। तो सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड, तो इसका करेक्ट आंसर है अ वाला, सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड। अगर ऑप्शन दो नहीं दिए तो एक पूछा गया तो उसका ही आंसर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश है समुद्री सीमा से घिरा हुआ राज्य, पूर्ण भू अवशिष्ट आवेशित राज्य या अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर है, जितने को मध्य प्रदेश किसी भी समुद्र की सीमा से नहीं घिरा हुआ है, जबी तो इसको लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि कोई भी इंटरनेशनल सीमा लाइन इसको टच नहीं करती है, इसका भू आवेशित राज्य बोलते हैं, यानी कि ये पूर्ण रूप से एक भूमि पर आवेशित राज्य है, मतलब स्थित है, इसीलिए इसका ब वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के अधिक समीप हैं। तो अधिक समीप पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से तीन जिले हैं जो कर्क रेखा के अधिक समीप हैं, तो उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। तो इसका आंसर है उज्जैन, रतलाम एंड राजगढ़। और यहाँ से पूछ लिया जाता है नर्मदा किसको, कौन सी नदी, कर्क रेखा कौन सी नदी को काटती हुई जाती है, तो नर्मदा को काटती हुई जाती है, मालवा के पठार को काटती हुई जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल बसा है सात पहाड़ियों पर, एक पहाड़ी पर, पांच पहाड़ियों पर या दो पहाड़ियों पर। तो इसका करेक्ट आंसर है पाँच पहाड़ियों पर, भोपाल को हम झीलों की नगरी कहते हैं ओके। तो इसलिए ये काफ़ी है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भी है ये। मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, ठीक है, क्वेश्चन ये है, बेदार, निजाम अधिराज या मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रांत। एक्चुअल में क्या है, मध्य प्रदेश का पहले कोई नाम ही नहीं था, उसको कई अलग अलग पार्ट्सों में बांटा गया था, जैसे कि पार्ट ए में, जैसे कि आपने देखा होगा पार्ट ए में कौन कौन से आते थे, तो तीन भागों, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इस तरीके से मध्य प्रदेश को बांटा गया था। तो मध्य प्रदेश में जैसे पार्ट ए में आता था, जैसे कि जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मध्य प्रदेश तीन पार्टों में, उसका कोई नाम नहीं था, तो पार्ट ए जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, नागपुर ओके, और जिसके जो प्रमुख थे नागपुर के, जिसके पंडित रविशंकर शुक्ल थे ओके। आज़ादी के बाद जब इनको किसी भी प्रकार से इसका मध्य प्रदेश का नाम नहीं दिया गया था, और मध्य प्रदेश का सेकंड पार्ट था बी पार्ट था, जिसका जैसे रीवा क्षेत्र हुआ, वो इंदौर, बी पार्ट में क्या आता था, इंदौर और ग्वालियर, दो क्षेत्र आते थे, वैसे तो छः क्षेत्र हैं इसमें, पर मेन दो को माना जाता था। और इसके जो इसको मध्य भारत बोला जाता था, क्या बोला जाता था, इंदौर के साथ ग्वालियर में जितने भी क्षेत्र आते थे उसको मध्य भारत बोला जाता था। और मध्य भारत के जो प्रमुख माने जाते थे, यानी कि पार्ट बी के जो प्रमुख माने जाते थे, लीलाधर सेठ को माना जाता था ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, पार्ट सी में आता था रीवा ओके। तो रीवा को विंध्य प्रदेश बोला जाता था, क्या बोला जाता था, विंध्य प्रदेश बोला जाता था रीवा को। और विंध्य प्रदेश के कौन थे, पंडित शंभुचरण दास थे, और शंभुनाथ शुक्ल थे ओके, शंभुनाथ शुक्ल ओके, इसके पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। तो इस प्रकार इसका, और पार्ट जो सी के नाम से ही भोपाल स्टेट को जाना जाता था, यानी कि दो पार्ट सी थे जिसमें भोपाल स्टेट को जाना जाता था। तो इसमें भोपाली था, और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का पहले क्या नाम था, कितने पार्टों में बांटा गया था, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका आंसर मध्य प्रांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए, जिसका नाम पचमढ़ी है, जो होशंगाबाद से है, जिसको हम हिल स्टेशन बोलते हैं, तो इसके, और ये पर्यटक के लिए फेमस है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग, तो ये किस में आता है, दार्जिलिंग आता है आपका पश्चिम बंगाल में, और दार्जिलिंग आपको चाय के लिए बहुत फेमस है, और इसको GI टैग भी यहीं से मिला है, इसको बात करें दार्जिलिंग की।
गंगटोक, गंगटोक कहाँ है, ये सिक्किम की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और जो कंचनजंगा पर्वत है वो यहीं पर है, कंचनजंगा, ओके, कंचनजंगा पर्वत है वो यहीं पर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुलमर्ग, गुलमर्ग कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है, ओके। और ये भी कैसा है, एक हिल स्टेशन है, ओके। और दार्जिलिंग भी हिल स्टेशन है, पचमढ़ी भी हिल स्टेशन है, और गंगटोक उसकी सिक्किम की राजधानी है, और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का हिल स्टेशन है, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मंगलनाथ, जो कहाँ पर है, उज्जैन में है। यहाँ पे माना जाता है कि जो 47 नंबर के जो शिवलिंग है वो यहीं पर है, उज्जैन के इस मंगलनाथ मंदिर में, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनापाव, जनापाव चोटी किस क्षेत्र में है, तो बुंदेलखंड के पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, या सतपुड़ा का पठार। तो जनापावा की चोटी के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर है मालवा का पठार। तो ये जनापा क्या है, ये जगह है इंदौर, इंदौर तहसील के महू, महू की पहाड़ी है जनापा, ठीक है, महू में। और जनापा से ही किसके, महू से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि माना जाता है महू को, ठीक है। और जो इंदौर ज़िले का एक गांव है महू, आप इसको समझ सकते हो, तहसील है, यहाँ पर आप देखो तो ये जनापा इसकी पहाड़ी है, और जनापा की चोटी यानी कि पहाड़ पर चोटी है, और जनापा से कौन सी नदी निकली है, चंबल। तो चंबल का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो जनापा को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी या रोलिंग पहाड़ियाँ किसको कहा जाता है, वो बुंदेलखंड को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथ में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से है, तो नागलपुर, दुर्गपुर, भलपुर, तो इसमें से कोई नहीं आंसर है, क्योंकि प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से इसको या तो सीधापुर के नाम से जाना जाता था, या फिर ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इसको सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल बेसन सबसे उत्तरीय जिला कौन सा है चंबल बेसन का, तो वो है मुरैना, ठीक है। तो आपने पहले, मैंने अभी बता दिया है कि जो जनापा था यानी कि इंदौर के महू का जनापा, वहाँ से चंबल का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, उद्गम पूछ लिया जाता है, चंबल का उद्गम कहाँ से हुआ था, वो हुआ था जनापा की पहाड़ियों से, ठीक है। और महू किसके लिए फेमस है, जहाँ भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि माना जाता है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर है इसका ए वाला।